हेलो दोस्तों, वेलकम टू हेलो चैनल। मेरा नाम है राहुल गुप्ता। आज के इस वीडियो में मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इससे पहले मैंने तीन वीडियो बनाई हुई हैं, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम के बारे में नेक्स्ट वीडियो बताने वाला हूँ और मल्टी टास्किंग के बारे में। मैंने इससे पहले एक और वीडियो बनाई थी स्कूलिंग के बारे में, उसमें आपको बताया था कि क्या सीपीयू का यूटिलाइजेशन होने लगा था, पर हम लोगों को उसमें ये दिक्कत थी कि प्रोसेसरी रन, उसने डिस्क से प्रोसेस ले ली, कोई काम करने को ले लिया, तो जब तक वो काम कर ले नहीं कर सकता था, पूरा खत्म नहीं होता था, तो आपको सीपीयू दूसरी प्रोसेस नहीं ले। इससे मतलब कई बार ऐसा हो जाता था कि प्रोसेस को वेट करना पड़ता था, हम लोग प्रिंटर इंस्टॉल होने में टाइम लगता है, तो उस टाइम पर वो सीपीयू खाली रहता था, तो वो हम लोग की दिक्कत थी जिसकी कमी को इसमें पूरा किया गया। तो समझते हैं पॉइंट्स वाइज। पहला है पॉइंट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में ज़्यादातर सीपीयू का यूटिलाइजेशन होगा। अब देखो यहाँ पर मैं समझाऊंगा जब, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या होगा। अब मैं दूसरा पॉइंट यहाँ पर बताने वाला हूँ, मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स मोर देन वन प्रोसेस इन मेन मेमोरी। एक मेन मेमोरी में एक से ज़्यादा प्रोसेस है विच आर रेडी टू एक्सक्यूट। एक से ज़्यादा प्रोसेस जो रेडी किस चीज़ के लिए एक्सक्यूट होने के लिए, मतलब एक्सेस करने के लिए। तीसरा पॉइंट में मैंने बताया है प्रोसेस जनरली रिक्वायर सीपीयू टाइम एंड इनपुट आउटपुट टाइम। प्रोसेस जनरली किस चीज़ की रिक्वायर होती है, सीपीयू टाइम एंड इनपुट आउटपुट टाइम। सो इफ रनिंग प्रोसेस परफॉर्म इनपुट आउटपुट, समझिए जब आपकी प्रोसेस रन करती है तो किस चीज़ के लिए परफॉर्म करती है, इनपुट आउटपुट और सारा रनिंग, उसको रिक्वायर नहीं होती किस चीज़ की, सीपीयू की। यहाँ पर लिखा विच डोंट रिक्वायर सीपीयू, देन इंस्टेंट ऑफ सेटिंग आइडियल सीपीयू मेक अ कॉन्टेस्ट। आपका मान लो प्रोसेस रन कर रही है और प्रोसेस रन करते करते दूसरी प्रोसेस रन होनी है, उसमें प्रोसेस में काम करने में कोई आउटपुट वगैरह निकालने में कुछ चीज़ करने में उसको टाइम लग रहा है, तो यहाँ पर वो कर लेती कॉन्टेस्ट एंड पिक्स अप अदर प्रोसेस एंड दिस आइडल विल कंटिन्यू और दूसरी प्रोसेस कंटिन्यूस काम करती है। सीपीयू नेवर, चौथा पॉइंट लिखा है सीपीयू नेवर आइडल अनलेस देयर इज नॉट प्रोसेस रेडी टू एक्सक्यूट एट टाइम कॉन्टेस्ट। नेवर अनलेस होती है, तो इसके बाद में आपको थोड़ा एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एग्जाम्पल मैं दो लेकर समझाऊंगा जिससे आप क्लियर समझ में आ जाए, इसके बाद आपको डायग्राम भी मिल सकेगी। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं डॉक्टर की। मान लो डॉक्टर के पास गए और उसने यहाँ 10 मरीज बैठे हुए, सबसे पहले नंबर पर मैं बैठा हूँ, उसने मुझसे पूछा क्या बीमारी है, मैंने बीमारी बताई, इसके बाद उसने मुझे एक पर्चा लिखा, उसमें कहा ये चीज़ लेकर आ जाओ, इसके बाद मैं तुम्हारा उस पर्चे के बारे में बता दूंगा और जो होना होगा वो कर दूंगा, ठीक है। मैं इसके बाद गया लेने, अब वो मेरे लिए जब तक वेट नहीं करेगा जब तक मैं आऊँ ना, तो जब तक मेरे इलाज करेगा, वो दूसरी मरीज को बुला लेगा उसका इलाज कर देगा। पहले क्या होता था कि डॉक्टर, यदि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ तो डॉक्टर क्या कर रहा था, जब तक मैं आ नहीं जाऊँगा तो वो मेरे लिए वेट कर रहा था। अब ऐसा नहीं होगा, तो मतलब इसमें क्या होगा, डॉक्टर का टाइम बर्बाद नहीं होगा। मान लो यही टाइम, मान लो हम एक एग्जाम्पल हो लेते हैं घर में मतलब खाने के लिए कम से कम 15-20 लोग बैठे हैं। अब 15-20 लोग बैठे हैं तो मैं पहले ऐसा कर रहा हूँ, पहले एक लोगों को खाना खिला रहा हूँ। अब उसको मान लो बीच में कोई काम आ गया, अब मैं उसके जब तक वेट नहीं करूँगा पहले इंसान का, जब तक वो आना जाए, मैं दूसरे इंसान को खाना खिला दूंगा, दूसरे इंसान को खाना खा सकता है, यदि उसको भी कहीं जाना तो वो भी जा सकता है, इसके बाद मैं तीसरे को खाना खिला दूंगा, इसी प्रकार से यदि वो पहले आ गए पहले को खिला दूंगा, ये चीज़ होती है। अब इसको हम अपने जाते हैं कंप्यूटर की भाषा में समझ सकते हैं कि मान लो मैंने कोई प्रोसेस दी, अब प्रोसेस रन हो रही है, उसको टाइम करते करते अब उसको मान लो आउटपुट देने के लिए चाहिए एक मशीन, अब प्रिंटर इंस्टॉल होने में टाइम लग रहा है, तो प्रिंटर जब तक इंस्टॉल होगा तो जब तक कॉन्टेस्ट चेक करके आप प्रोसेस दूसरी प्रोसेस को ले लियो, उसमें जब तक काम करेगी, इसके बाद जब आपका प्रिंटर काम करने लगेगा तो उस प्रोसेस को रन करेगी, इसके बाद जब वो हो जाएगी फिर वो आपसे दूसरी उसी में मिलेगी। तो हम लोग एग्जाम्पल ये समझ, अब यहाँ पर हम थोड़ा इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर डायग्राम में यहाँ पर ये सीपीयू, यहाँ पर सीपीयू में मेन मेमोरी से उसने सीपीयू ने मेन मेमोरी से लिए प्रोसेस P1। अब P1 को मान लो लग रहा है टाइम 5 सेकंड, अब उसको आउटपुट निकाल 5 सेकंड, अब आउटपुट निकालने के लिए थोड़ा टाइम लगा तो उसने P2 के लिए लिया। अब P2 यदि इसी टाइम पर वो प्रिंटर आपका इंस्टॉल हो गया, फिर रन करने लगा तो P1 वापसी आ जाएगी, इसी प्रकार से ये प्रोसेस होगी। और यहाँ पर सॉफ्टवेयर में इसके एग्जाम्पल यूनिक्स और लिनक्स। अब इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, एडवांटेज में आपका पहला एडवांटेज जो आपको सिंपल आपको पता है, मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन, हाई सीपीयू यूटिलाइजेशन, मतलब सीपीयू ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो रहा, तो आप ये समझ ही सकते हैं एग्जाम्पल समझाया। फिर इसमें दूसरा पॉइंट है लो वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्डिंग टाइम, आपका
वेट करने का टाइम भी बिल्कुल खत्म सा ही हो गया, और रिस्पॉन्ड बहुत जल्दी जल्दी कर रही है, मतलब दूसरे इंसान को भी जल्दी कर रही है, रिस्पॉन्ड भी बहुत तेजी से कर रही है। मे बी एक्सक्यूट टू मल्टीपल सर्वर्स, अब मल्टीपल सर्वर्स को इस टाइम में एक बार में ज़्यादा सर्वर्स को एक्सक्यूट कर सकते हैं। नाउ अ डे यू वेरी यूजफुल वेन लोडिंग मोर, आप देख सकते हैं इस टाइम वेबसाइट वगैरह करते हैं तो आपकी इस टाइम बहुत सी वेबसाइट वगैरह हो जाती हैं। अब इसके नुकसान क्या है, डिफिकल्ट सेक्टर है, आपको इसको समझने के लिए बहुत डिफिकल्ट है, आपको समझना आसान नहीं था, पहले ये चीज़ समझने बहुत आसान था। और इसमें क्या है, मेन मेमोरी मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड, अब मैनेजमेंट मेन मेमोरी का मैनेजमेंट रिक्वायर हो चाहिए कि किस प्रोसेस को कितना टाइम दे रहे हैं, मेमोरी फ्रेगमेंटेशन रिक्वायर जरूरी और पेजिंग रिक्वायर, पेजिंग ऑफ मेमोरी फ्रेगमेंटेशन अगली वीडियो में हम समझेंगे, तो अभी आगे की वीडियो में समझेंगे तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको इसके बाद वीडियो बनाऊंगा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी प्रोसेस ऑपरेटर, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे आपके ये तीन जो डिफरेंस है मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी टास्किंग एंड मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम वो आपको क्लियर हो जाए और आप आराम से लिख सकें। तो वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिंग वाली बेल दबाइए, और जय हिंद जय भारत वंदे मातरम आपका दिन।